देखो तुम लोग को बोले थे कि जो प्रोजेक्ट वर्क दिए हैं इंग्लिश में उसको मैं पूरा रेडी कर दिया है, और यही वाला करोगे सबसे इजी है। चाहे तुम गूगल वगैरह में खोजोगे तो इतना आसान नहीं मिलेगा, बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, कोई भी, यहाँ तक कि जो दूसरा कुछ करोगे तो इंडियनाइजेशन अगर करोगे किसी स्टोरी का तो वो भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है ना, ये हम पूरा खूब बढ़िया से लिख कर दिए हैं तुम लोग को, तो प्रोजेक्ट वर्क में इसी को करो सबसे अच्छा रहेगा। और हम जो यहाँ पे दे रहे हैं बस डायरेक्ट इसको लेकर के उतार देना है और फाइल में दे देना। तो फाइल तुम्हारा क्या रहेगा, फाइल जो है वो जो प्रैक्टिकल फाइल होता है कूट का बांधने वाला वो फाइल लोगे, और उसके ऊपर में तो सादा कवर लगा दोगे, नाम वगैरह लिख दोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट पेज आएगा, तो पहला पेज में तुम लोग को क्या लिखना है सब कुछ तुम लोग को यहाँ पर बता दे रहे, फिर भी समझा दे रहे एक बार ओरल, और यहाँ पर लिखित तुमको सब दे देंगे। तो पहला पेज में तुम्हारे स्कूल का नाम रहेगा, उसका एड्रेस, उसके बाद में प्रोजेक्ट वर्क सबमिटेड बाई दे करके तब अपना नाम लिखोगे, क्लास लिखोगे, सेक्शन में ABC नहीं, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन वो नहीं, सेक्शन का मतलब हो गया आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो या साइंस के हो। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर विथ ईयर, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने से नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर उसके बाद ईयर आता है 2021 22, जो ईयर तुम्हारा है वो ईयर के साथ लिखना होगा। इसके बाद में जो ये फर्स्ट पेज खत्म हो जाएगा, पहला पेज चेंज करोगे, फिर आ जाओगे सेकेंड पेज। सेकेंड पेज में क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क ऑन कैपिटल लेटर में पूरा लिखोगे। ठीक है ना, प्रोजेक्ट वर्क हम यहाँ पर सब तुमको दे दे रहे हैं समझा करके, और इसके बाद में उसको रोक रोक करके और लिख लोगे, नोट डाउन कर लोगे। तो सेकेंड पेज में पूरा पूरा कैपिटल लेटर में फिक्सियस इंटरव्यू विद APJ अब्दुल कलाम, फिर उनका वहां पर फोटो लगा दोगे। ठीक है ना, नीचे फोटो लगा दोगे। उसके बाद में पेज थ्री में पहुंच जाओगे, पेज थ्री में जब आओगे तो हो जाएगा ऊपर में बोल्ड लेटर में लिखोगे एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद में नीचे में वो एक्नॉलेजमेंट हम यहाँ लिख दिए हैं उस एक्नॉलेजमेंट को उतार देना है अच्छे अक्षरों में। इसके बाद में आ जाओगे पेज फोर में, तो पेज फोर में तुम्हारा मिलेगा कंटेंट्स, इसमें हम लोग क्या क्या है, कंटेंट में इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स है, प्रोसीड्यूर एंड इनपुट है, फिर आउटपुट है, कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी, तो ये हम लोग का कंटेंट्स में आ गया। अब आ जाओ पेज नंबर फाइव में, नेक्स्ट फाइव में, तो फाइव में जब आ जाओगे तो वहां पर जो कंटेंट्स का पहला था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऊपर में बोल्ड लेटर में लिख दोगे, इंट्रोडक्शन नीचे इंट्रोडक्शन पे लिखोगे जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं वही वाला उतार देना, कुछ चेंज नहीं करना है, बिल्कुल उसको लिख देना है। इंट्रोडक्शन खत्म होगा उसी पेज में, फिर ऑब्जेक्टिव्स हम लोग लिखेंगे, बाद में पेज भर गया तो उलट दोगे, वैसे पेज भरेगा नहीं उसी में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे ये शेष होगा। फिर उसके बाद में आ जाओगे पेज फाइव में, पेज फाइव में प्रोसीड्यूर एंड इनपुट, तो इसमें थोड़ा सा ही बात है, तो थोड़ा सा बात होगा तो ऊपर मत लिखना, जब ऊपर में लिख दोगे इसे प्रोसीड्यूर एंड इनपुट, लिखने के बाद में थोड़ा सा गैप दोगे कि नीचे बीच में लिखोगे ताकि ऊपर नीचे जगह बराबर बराबर छूटे, देखने में सुंदर लगे। ठीक है ना, जरूरत पड़ेगा तो ऐसे टेढ़ा एक लाइन इधर लिख इधर लेकर के बीच में ऐसे टेढ़ा करके लिख सकते हो, जगह मैंने बहुत कुछ लिखता देखते प्रोजेक्ट में, ऊपर खाली लिख जाए नीचे पूरा सादा खाली रह गया, तो ऐसा नहीं करोगे, जो देखोगे छोटा सा चीज है उसको ऊपर भी छोड़ दोगे नीचे छोड़ दोगे बीच में लिखोगे थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षर में लिख दोगे ऊपर से नीचे तक भर जाना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो इसमें प्रोसीड्यूर एंड इनपुट लिखोगे जो लिख दिया उसको लिखना है। अब आ जाओ पेज सेवन में, पेज सेवन ही जो चलेगा, पेज सेवन एट नाइन टेन जहां तक कटेगा लिखना है आउटपुट, ये जो है उसका मेन बॉडी है, तो आउटपुट में लिखना है पूरा जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू तो लिख देना है जो हम यहाँ पे दिए हैं, बिल्कुल वही लिखना है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर से ऐड करने की जरूरत नहीं है, वही लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो जितना पेज लेगा, पेज सेवन आएगा, एट आएगा, नाइन आएगा, टेन आएगा, कम से कम चार या पांच पेज तो तुम्हारा लग ही जाएगा, या इससे ज्यादा भी लग सकता है मैक्सिमम, लेकिन आठ पेज, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, बड़ा बड़ा अक्षर अपने लिखोगे तब की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर अब नेक्स्ट पेज जो भी मतलब आठ पेज हो गए तो फिर नवा में पहुंच गए, नेक्स्ट पेज में आ गए, नेक्स्ट पेज में कंक्लूजन ऊपर में हेडिंग दोगे, कंक्लूजन बोल्ड लेटर में लिखोगे, फिर नीचे बीच में जो है ऊपर नीचे अच्छा जगह छोड़ करके बराबर जगह छोड़ के नीचे बीच में जो है कंक्लूजन लिख दो, क्योंकि कंक्लूजन थोड़ी सी बात है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट पेज में आ जाओगे बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी जो दिए हैं पॉइंट वाइज लिख दोगे, खत्म हो गया। ठीक है, और जहां पर तुम्हारा ये लिखना है, तुमको जो एक्नॉलेजमेंट लिखना है,
तो एक्नॉलेजमेंट देखने के बाद में नीचे अपना सिग्नेचर जरूर करोगे, नीचे अपना सिग्नेचर कर दोगे और ये कंप्लीट होगा। फोटो क्या बोले, फोटो सिर्फ एक ही तो लगाना है, एपीजे अब्दुल कलाम का।